हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि कौन सा लेक्चर कहाँ है, ठीक है ना? तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले बात तो मैंने यहाँ छोड़ा था, आपको यहाँ छोड़ा था, ठीक है? यहाँ पर छोड़ा था, ठीक है? तो बट ये मैंने नहीं कराया था, ये फेमाइंस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो फेमाइंस वगैरह आई थी ब्रिटिश रूल टाइम पीरियड, तो ये मैंने नहीं कराया था। ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि सीबीएसई क्या है ना कि बॉक्सेस में ज़्यादा ध्यान देती है। तो फेमाइंस रिफर टू सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड एज थ्रू क्रॉप फेलियर। फेमाइंस मीन्स क्या होता है? जब हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, मतलब आपदा आ गई कि हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, फूड इतना नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारा क्या कहते हैं कि लोगों की डिमांड को फुलफिल करा जा सके, और जिसकी वजह से अब भाई आप एक बात बताइए, अगर आपकी कंट्री में शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, फेमाइंस वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, मतलब बाढ़ वगैरह आ गई जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें? देखिए, रिजल्टिंग वायलेंट हंगर, लोग लड़ाई करने लगेंगे, भूख लगी है तो वो वायलेंट हंगर करने लगेंगे, और स्टारवेशन, लोग भुखमरी से मरने लगेंगे, ठीक है ना? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड फेमाइंस कई सारे आए थे, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड गेन हुआ था, जिसकी वजह से लोग वायलेंट हंगर करने लगे थे। वायलेंट हंगर मतलब समझते हैं ना, हंगर के पीछे लड़ाई करने लगे थे, भूख के पीछे क्या करने लगे थे, लड़ाई करने लगे थे, ठीक है? अब देखिए क्या लिखा है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल मोस्ट इंडियंस लिव्ड लाइक ऑलवेज लिव्ड ऑन वर्ज ऑफ स्टारवेशन, मतलब हमेशा वो भुखमरी, क्या कहते हैं कि स्टारवेशन, मतलब एक टाइम का खाना मिल रहा है, एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन ही में हमेशा रहते थे वो, और उनको बहुत ही मुश्किल था कि दो टाइम का भी खाना मिल जाए, बहुत ही मतलब एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी कि उनको तीनों टाइम का खाना मिल जाए या दो टाइम का खाना मिल जाए, बहुत ही कम लिमिटेड फूड गेन उस समय था, क्योंकि फेमाइंस वगैरह आ गए थे इस वजह से। फ्रॉम 1760 से 1943 के बीच में हमारी कंट्री में रेगुलर टेरिबल फेमाइंस आते रहते, रेगुलर बेसिस में आते रहते, टेरिबल बहुत ही भयानक फेमाइंस आते रहते थे रेगुलर बेसिस में, ठीक है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग दोस, इनमें से कौन सा एक सबसे बड़ा फेमाइन था, जो ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल आया था 1769 में, फेमाइन बंगाल में आया था, जिसकी वजह से क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जाने गई थी, और इसने हमारी क्या कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पहुँचाया था। वैसे तो बहुत सारी फेमाइंस आती रहती थी, मगर जो बंगाल फेमाइन आई थी 1769 में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई थी, जिसकी देखिए लिखा भी है यहाँ, मोर देन 85 मिलियन लोग मर गए थे। अब 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, और 85 मिलियन लोग मर गए थे, आप समझ सकते हैं, एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, 10 लाख, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख और 85 मिलियन यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं 85 मिलियन बंगाल फेमाइन जो आया था 1769 में, ये आप रियल लर्न कर लीजिएगा, इसमें लोग मर गए थे। और इन कॉन्ट्रेस्ट देयर हैव बीन नो फेमाइन रिलेटेड डेथ सिंस इंडिपेंडेंस, जब से इंडिपेंडेंस हमें मिली है तब से कोई ऐसा फेमाइन नहीं आया जिसमें डेथ हो गई हो लोगों की, ठीक है? तो एक कंडीशन ही इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। देखिए, बैकवर्ड स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शार्पली कॉन्ट्रास्ट विद द प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। देखिए, जो हमारा, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों ने आए थे, अंग्रेज आ गए थे, तो हमारे उस समय कंडीशन क्या हो गई थी, बैकवर्ड हो गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, नॉन वाइब्रेंट मतलब वाइब्रेट नहीं हो रही थी हमारी जो इकोनॉमी थी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा था, बिल्कुल कुछ ग्रोथ ना, कुछ डाउन टाउन कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टेंट था हमारा, ठीक है ना? ये ब्रिटिश पीरियड की टाइम की बात है, और जब हम लोग प्री ब्रिटिश पीरियड था मतलब ब्रिटिश पीरियड के पहले जो हमारा कंट्री थी वो बहुत ही प्रॉस्पेरस थी, बहुत ही अच्छा वहां तब चल रहा था। देखिए लिखा भी है यहाँ, प्रायर टू ब्रिटिश राज इन इंडिया, रूरल इंडिया वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज, दीज विलेज कम्युनिटीज इंक्लूड फार्मर्स एंड फंक्शनरीज। मतलब जो ब्रिटिश राज आने से पहले जो हमारे यहाँ के फार्मर्स थे, वो खुद काम करते थे, खुद इतना सेल्फ सफिशियंट थे कि खुद वो अपने लिए कंजप्शन करते थे, और खुद वो एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस करते थे, जिसको वो एक्सपोर्ट करते थे बाहर की कंट्रीज में। देखिए यहाँ एक डायग्राम भी है, प्रॉस्परस एग्रीकल्चर इवन विदाउट मैकेनाइजेशन,
टाइम, मतलब मशीन सक्सीन्स का यूज़ नहीं करते थे ब्रिटिश टाइम पीरियड से पहले, तब भी देखिए कितने अच्छे से ये वो क्रॉपिंग वगैरह अपना कल्टिवेशन एग्रीकल्चर में कर रहा है, ठीक है ना। तो ये प्री ब्रिटिश पीरियड के पहले ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग बहुत ही बेकार थे, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम लोग बेकार हो गए और ये अच्छी खासी फार्मिंग हम लोग कर लेते थे। हमारे यहाँ मशीन्स नहीं थी तब भी हम अच्छी खासी फार्मिंग्स वगैरह कर लेते थे। मैकेनाइजेशन नहीं हुआ, तो मैकेनाइजेशन मतलब होता है मशीन वगैरह हम लोग फार्मिंग में यूज़ नहीं करते, तब भी हमारे यहाँ अच्छी फार्मिंग हो जाती थी। अब देखिए क्या लिखा है थर्ड पॉइंट, देर वर नो इंटरमीडिएट्स, जो इंटरमीडिएट नहीं हो जमींदार वगैरह, जमींदार्स वगैरह कोई इंटरमीडिएट नहीं था स्टेट, जैसे हम लोग अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि फार्मर और जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक जमींदार था, ठीक है ना। तो उस टाइम कोई जमींदार वगैरह नहीं था, ठीक है ना। तो जमींदार कोई नहीं था, तो एक्सप्लॉयटेशन क्या था, एक्सप्लॉयटेशन नहीं भी कोई नहीं कर पाता था जो फार्मर्स थे हमारे। तो देखिए यहाँ लिखा है देयर वॉज नो इंटरमीडिएट बिटवीन इंटरमीडिएट्स बिटवीन द स्टेट एंड द फार्मर्स वुड पे लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द किंग। उस टाइम जो फार्मर्स थे वो लैंड रेवेन्यू किसको देते थे, डायरेक्टली किंग को देते थे। प्रॉस्पेरिटी चल रही थी, स्टेबिलिटी चल रही थी, वर्क द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इंडिया, जो रूरल इंडिया था ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, तो रूरल इंडिया की जो कंडीशन थी वो क्या थी, प्रॉस्पेरस थी, अच्छी थी और स्टेबल थी, मतलब बेकार नहीं थी। और उसी टाइम एक फ्रेंच ट्रैवलर आए थे, दस द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर एक फ्रेंच ट्रैवलर उसी टाइम आए थे 17 सेंचुरी में, डिस्क्राइब बंगाल इन 17 सेंचुरी। उन्होंने बोला था कि जो बंगाल है, बंगाल था 17 सेंचुरी का, एक फ्रेंच ट्रैवलर आए थे, उन्होंने बोला था कि जो बंगाल था 17 सेंचुरी का वो रिचर देन इजिप्ट था, इजिप्ट से भी ज़्यादा अमीर था। और उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बोला था प्रोड्यूसिंग एम्पली ऑफ सेल्फ कंजप्शन एंड एक्सपोर्टिंग इन अबंडेंस, मतलब जो बर्नियर आए थे उन्होंने बोला था कि जो उस समय का बंगाल था वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अमीर था, किससे, इजिप्ट से, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने बोला था उस टाइम इंडिया में इतना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था कि सेल्फ कंजप्शन तो खुद का कंजप्शन तो होता ही था, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करते थे, अबंडेंस एक्सपोर्ट करने लगे थे, समझ रहे हैं ना आप इसका मतलब, कि हम लोग एक्स्ट्रा सरप्लस हम लोग का एक कॉमर्शियल फार्मिंग हम लोग कर रहे थे उस टाइम। मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब होता है आप खुद के लिए तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको आप बिजनेस में, जिसको आप सेल कर रहे हैं, जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बिजनेस में आप जिसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था हमारा इंडिपेंडेंस के पहले, ठीक है। अब देखिए समझिए, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज काफ़ी लगती हैं, जब हमारे इंडस्ट्रीज रेगुलर बेसिस में या काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करना, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ख़त्म करना। अब देखिए सिस्टमेटिक डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन किस टर्म्स में बोला गया है, इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल टाइम पीरियड जो हमारा बताया गया है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, डिके ऑफ, एक मिनट, ठीक। तो डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग इंडस्ट्री ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ कि डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, जो हमारे यहाँ पुराने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, मतलब भेदभाव वाली पॉलिसीज के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने उनको पिछाड़ दिया था, मतलब पीछे कर दिया था। उन्होंने क्या करा था कि हमने जैसे बताया था आपको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे यहाँ आई थी तो वो क्या करती थी कि वो यहीं से रॉ मटेरियल लेती थी और यहीं फिनिश गुड्स बना के बेच देती थी, और जो यहाँ फिनिश गुड्स बेचती थी वो क्या होते थे, चीपर होते थे। अब नॉर्मल सी बात है, आदमी उसी की डिमांड करेगा जिस जो चीज़ें सस्ती होती थी। तो उस समय इंडिया में लोग क्या करने लगे थे, उस समय इंडिया में लोग ब्रिटिश गुड्स की ज़्यादा डिमांड करने लगे थे, ब्रिटिश गुड्स क्योंकि वो चीपर होते थे, ठीक है, उसकी हम डिमांड करने लगे थे। और ब्लीक ग्रोथ मतलब क्या होता है, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ब्लीक मतलब होता है नो ग्रोथ, बिल्कुल बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, ऐसी ग्रोथ हो रही थी उस टाइम,
ठीक है ना। तो ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ब्लीक ग्रोथ हो रही थी, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मॉडर्न इंडस्ट्रीज में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और कोई भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा था। मॉडर्न इंडस्ट्रीज मतलब समझते हैं आप, जो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो गए, आयरन एंड स्टील, जो मतलब बड़े बड़े जिनका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो सब मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो हम डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट पढ़ेंगे। प्रायर टू ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया, देखिए जो हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश रूल के पहले, ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था इंडिया का, उसकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, बट द ब्रिटिश राज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर डीके। बट ब्रिटिश राज ने क्या करा, उसके डीके करा, मतलब उसको पिछाड़ा, उसको क्या कहते हैं, और ख़त्म करा। इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक, और कैसे ख़त्म करा, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन करा कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी उनका माल बिकने नहीं देते थे, और जो बाहर की ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज थी उनका माल बिकने देते थे। तो इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उसका क्या करा, उसका डीके करा, उसको पीछे करा, उसको डिस्क्रिमिनेशन करा उसके साथ, ताकि वो फुलफिल अपना ना चल पाए, किसी भी तरीके से ना वो कोप अप कर पाए। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। सबसे पहले स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, टैरिफ मतलब होता है टैक्स, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की टैक्सेबल डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव वाली जो पॉलिसीज थी, कि भेदभाव मतलब समझ रहे हैं, वो लोग क्या करते थे कि अगर कोई फिनिश गुड्स बाहर बेच रहा है, फिनिश गुड्स वहाँ बाहर अगर कोई बेच रहा है इंडिया का बंदा, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, ताकि बाहर वालों को वो महंगा मिले और वो उसकी डिमांड ना करे। और अगर क्या कहते हैं, ब्रिटेन से कोई गुड्स यहाँ आता था तो उसको वो टैक्स फ्री रखते थे, कि यहाँ सस्ता बिके वो, ताकि पूरी पूरी मार्केट वो लोग कैप्चर कर सकें, इंडियन मार्केट पूरी पूरी वो क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी। तो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में, द ब्रिटिश फाउंड इन इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडिया का जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, और अपना ही यहीं से रॉ मटेरियल ले जाते थे और यहीं फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच देते थे। मैंने आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज वॉज परसुएडेड इट अलाउड। देखिए क्या लिखा है, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट मतलब टैक्स फ्री एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का, यहाँ से रॉ मटेरियल फ्री फंड में जा रहा था, उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा था, और बाहर से जो टैरिफ फ्री इंपोर्ट हो रहा था, जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था वो भी टैरिफ फ्री हो रहा था, जो बाहर से गुड्स आ रहे थे ब्रिटेन से वो भी क्या थे, टैरिफ फ्री हो रहे थे, उनमें भी कोई टैक्स वैक्स नहीं लग रहा था। ठीक है, बट द सेम टाइम और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, यहाँ से अगर कोई माल, कोई गुड्स अगर यहाँ से बन के जा रहा था, उसमें हैवी ड्यूटी लगाई जा रही थी। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर कोई रॉ मटेरियल गया तो वो फ्री फ्री में मतलब टैक्स, उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा था, बट यहां से अगर कोई रॉ वो गुड्स हमारा अगर कोई चला गया तो उसमें खूब सारा टैक्स लगा रहे, ताकि बाहर कोई इंडियन गुड्स को क्या कहते हैं कि खरीदे ना, और इंडियन गुड्स की मार्केट ना बन पाए। ठीक है ना, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट विच रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। भाई सिंपल सी बात है, अगर यहां का कोई गुड्स ही नहीं खरीद पाएगा क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की जो कॉम्पिटिशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था एक तरीके से, बोली इंडियन हैंडीक्राफ्ट का उन्होंने पूरा डीके कर दिया था, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया था, ये सब डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज की वजह से, भेदभाव वाली पॉलिसीज की वजह से पूरा इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस इसकी वजह से ये हुआ कि वाइल द ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्ट गेनिंग, भाई ब्रिटिश प्रोडक्ट हमारे सस्ते थे, क्योंकि जब बाहर से ब्रिटिश गुड्स आता था तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, तो वो सस्ता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो सस्ता था तो ब्रिटिश जो प्रोडक्ट थे वो स्टार्ट गेनिंग इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में उनकी वैल्यू बनने लगी, और इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट थे वो खत्म होने लगे, स्टार्ट लूजिंग देयर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट। इंडियन जो मार्केट थे, इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उसने इंडिया से भी हाथ धुल लिया और बाहर से भी हाथ धुल लिया, क्योंकि बाहर से पूरा जितना माल आ रहा था उसने पूरा कैप्चर कर लिया था इंडिया को। तो डीके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, इसका रिजल्ट ये हुआ कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पूरा पूरा पिछड़ गया, और इसका ये एंड रिजल्ट था। ठीक है, अब देखिए डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। सब दूसरा काम ब्रिटिशर्स ने ये करा कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के पहले क्या था, नवाब, राजास, प्रिंसेस, एम्प्रेस, ये सब कोर्ट वगैरह लगते थे, बट जैसे ही वो लोग ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या करा, ये सब प्रिंसली कोर्ट्स को डिसअपीयर कर दिया, मतलब ये सब काम खत्म करवाया। ठीक है, दे यूज टू पर्टनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ विच इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैज एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड द
एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स कॉन्सिक्वेंटली हैंडीक्राफ्ट स्टेट डिकेइंग। अब वही सिंपल सी बात है, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर वाले थे वो राजा के पास अपना जाते थे टैक्स वगैरह जमा करने, तो राजा उनकी बात भी सुनते थे। जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने क्या करा, प्रिंसली कोर्ट्स का काम खत्म करा, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जब अपने हाथ में ले लिया तो फिर जब पूरा अपना कंट्रोल हाथ में ले लिया तो जो उनके मन में आ रहा था वो करते जा रहे थे, और जिसकी वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था वो डिके होने लगा, वो पिछड़ गया पूरा। कॉम्पिटिशन फॉर मैन मेड प्रोडक्ट, जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे वो मैन मेड नहीं होते थे, वो मशीन मेड होते थे, मशीन से बनते थे। तो मशीन से बनते थे, एक तो पहली बात वो चीप बनते थे, सस्ते बनते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो टिकाऊ थे, वो ड्यूरेबल नहीं होते थे, बट वो चीपर थे। और जो यहाँ का चीज़ था, जो यहाँ का मैन मेड प्रोडक्ट बनता था वो क्या थे, वो चीपर नहीं थे। जो इंडियन प्रोडक्ट था वो चीपर नहीं था। तो अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए सस्ता, क्वालिटी से किसी को मतलब नहीं होता, वो लोगों से ये सस्ता। पहले लोग प्राइस पूछते फिर बाद में क्वालिटी देखते हैं। तो भाई चीपर के चक्कर में वो जो ब्रिटेन वाला गुड्स था वो उसने इंडियन मार्केट पूरी कैप्चर कर ली। देखिए लिखा है, मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट, लो कॉस्ट लगती थी, गिव अ स्टिफ कॉम्पिटिशन टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया। और जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे उसने हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया के प्रोडक्ट थे उनको कॉम्पिटिशन दिया। ऑल्सो मशीन मेड प्रोडक्ट आउट एक्सेल्ड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इन प्रिसिशन एंड क्वालिटी। और उस टाइम क्या कहते हैं कि जो हमारे ब्रिटेन के गुड्स थे जो मशीन मेड होते थे उनकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी थी, और जिसकी वजह से कंपटीशन मिलने लगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, और उन्होंने अपनी शटडाउन बंद कर दी अपनी फर्म वगैरह। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, हमारे यहाँ आप क्या कहते हैं कि वेस्टर्न, बिल्कुल वेस्टर्न डिमांड हमारे यहाँ आने लगी थी। लोग क्या कहते हैं कोट पैंट की डिमांड करने लगे थे, और कोट पैंट हम लोग तो बनाते नहीं थे, वो ब्रिटेन से ही आता था। तो न्यू पैटर्न एक डिमांड देखने को मिल रहा था, न्यू पैटर्न डिमांड देखने को मिल रहा था ओइंग टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, क्योंकि ब्रिटिश कल्चर यहाँ आया था तो उनकी जो जिस तरीके से वो पहनावा पहनते थे वो हमारे यहाँ भी आ जा रहा है, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ आती जा रही थी। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड, इसलिए हम लोगों के यहाँ भी डिमांड, हम लोग अब धोती कुर्ता नहीं, अब हम लोग भी पूरा क्या कहते हैं कि अच्छे अच्छे कोट पैंट की डिमांड करने लगे। और कोट पैंट कौन बनाता था, ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज थी वो बनाती थी, तो वो क्या कहते हैं हमारे नए पैटर्न डिमांड का बनने लगा था। और फिफ्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। कई लोग कहते हैं कि रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश ने इंडिया के फायदे के लिए करा था, बट ऐसा कुछ नहीं, इंडिया के फायदे के लिए नहीं करा था। उन्होंने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन जो उनको गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना होता था उस पर्पज़ के लिए किया था। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे साइज ऑफ द मार्केट, अब एक बात बताइए, अब ब्रिटेन से कोई अगर गुड्स आ रहा है, ब्रिटेन से कोई गुड आया तो वो यूपी में उतरा, ठीक है, और अगर रेलवे वगैरह की सर्विसेज नहीं है तो वो क्या कहते हैं बाकी स्टेट्स में जाने में, इंडिया के बाकी स्टेट में जाने में टाइम लगेगा। बट अगर ट्रेन है तो क्या हो रहा है, ट्रेन है तो जाने में क्या हो रहा है कि वो जल्दी जल्दी पहुंच जा रहा है हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में पहुंच जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब माल इंडिया के हर स्टेट में पहुंचेगा तो साइज ऑफ मार्केट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो लो ब्रिटिश जो प्रोडक्ट थे, जो सस्ते दाम वाले ब्रिटिश प्रोडक्ट थे, उन्होंने क्या करा था, वो एक्सपैंड होने लगे, वो पूरे इंडिया में फैलने लगे, और जिसकी वजह से हाई कॉस्ट जो इंडियन प्रोडक्ट थे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट थे वो बहुत हाई कॉस्ट थे, मैन मेड होते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा डीके होने लगा, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद होने लगा। और पहली जो ट्रेन चली थी वो हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ट्रेन चली थी बॉम्बे या मुंबई टू थाने 1853 में चली थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ब्रीफली द, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। तो ब्रीफली द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्टेड इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल मार्केट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी में चेंज कर दिया था ब्रिटिश गुड्स इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। देखिए मेनली होता क्या था कि यहीं से रॉ मटेरियल लिया जाता था और यहीं फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच दिया जाता था, मतलब समझ रहे हैं ना, जापान हम ही से स्टील लेता है और हम ही को क्या कहते हैं कार बना के बेच देता है। तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हमें बर्बाद करा जा रहा था, इंडियन मार्केट को बर्बाद करा जा रहा था, हमें यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे किस लिए, अपनी जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए, और यहीं और जो प्रोडक्ट बना के लाते थे उनको यहीं सेल करते थे। तो डेस्टिनेशन ऑफ डिमांड, उनके लिए डिमांड का एक डेस्टिनेशन बन गया था ब्रिटिश प्रोडक्ट का, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पूरा पूरा एलिमिनेट हो गया था, कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो गया था। सो गाइस हम लोग इतना ही रखते हैं आज, इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम, और कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और फ्रेंड्स एक काम करिएगा आप, कि जो मैंने क्या कहते हैं कि ये प्लेलिस्ट में मैंने पूरा एक बना दिया है, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी लेक्चर प्रॉब्लम होती है देखने में, तो ढूंढने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो क्या कहते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसमें आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।